अगर विधानसभा में आरएलपी नहीं पहुंची तो अखबार लिखेंगे कि आरएलपी शून्य हो गई, और आरएलपी शून्य हो गई मतलब कोई किसान का बेटा नई लड़ाई की शुरुआत राजस्थान का नहीं करेगा। ये लड़ाई उम्मीदवारों की नहीं है भाई, बीजेपी से प्रधान जो अभी मेरे सामने उम्मीदवार है उनको तो मैंने बनाया ना, प्रधान बना के तो रखा था, अभी हमारे साथ रहता तो मैं उम्मीदवार बनाता। मैक सिंह जी बैठे हैं इस बात के लिए, मैं मैक सिंह जी को लड़ा रहा था, सबकी इच्छा थी आपकी कि अब की बार घर के अंदर से बाहर दे दिया तो हम जा सकते, आपका मन भांप लिया मैंने। अगर मेरे साथ अब वो उम्मीदवार रहता था बनाता, नंबर कभी कभी तो आता ही है। आप ये बताओ मैं नंबर में ही तो ला रहा हूँ, मैं एमएलए से एमपी बनता हूँ और फिर सीट खाली करता हूँ। 19 में भी की जब नारायण का नंबर आया अब हुआ आ जाता, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है। और मेरा नंबर तो एमएलए एमपी में आ रहा है, मंत्री में कभी का ही बन जाता। वसुंधरा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भजनलाल का अवतार हुआ, लड़ा तो मैं और अवतार भजनलाल हुए, तो ये लड़ाई है मेरे भाइयों। इसलिए इन चीजों को देखना है कि कहीं ऐसा गलत निर्णय नहीं हो जाए कि 28 की लड़ाई में नागौर नक्शे से गायब हो जाए। अगर यह मुझे कमजोर कर दिया तो आपके जयकारे दिल्ली और जयपुर में कोई आपको मजबूत नहीं कहेगा। अभी लोग कहते हैं ना खींचर की जनता मजबूत है, एक एक वोट में ध्यान देना होगा, सरकार के लोग आएंगे और सरकार को हराने में आपको महारत हासिल है। नारायण को जिताया जब भी सरकार थी आपने हरा दिया, और इस बार भी हरा दोगे। चांदा पट्टी के अंदर पिछली बार मैं पीछे रह गया था 1700 वोटों से, एकदम नेक टू नेक फाइट हो गई। थोड़ी बहुत नाराजगी हो गई, कारण तो कुछ भी नहीं, दिलीप जी बैठे, विकास तो सही। चांदा पट्टी का जितना मैंने कराया पिछले 5-10 साल में हम दोनों भाइयों ने, उतना ध्यान या किसी ने नहीं दिया था। आप होशियार हो गए, मजबूत हो गए, अगर दो बार चूक भी हो गई अब पाचा घर है यार, मजबूत मेरे को मजबूत करना है, नहीं तो आपकी रखवाली कौन करेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। गुजर भाइयों को याद दिलाना चाहता हूँ, जब आरक्षण की जंग चल रही थी तब ये कोई नहीं थे, मैं था, ये भारतीय जनता पार्टी गुजरों के सीने पे गोलियां बरसा रही थी। याद करो जब बेहतर गुजरों को किस तरह मारा गया, मैं तो उस समय कोई सीएम का दावेदार भी नहीं था, आपका तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने सरकार से पंगा ले लिया, और ये लड़ाई ऐसी चली कि आज तक लड़ाई वो दुख दे रही मुझे। इसलिए याद करो भाइयों, एक आध बार चूक भी हो जाती है तो वापिस एक जगह आके भाई के काम भाई आता है, दूसरा नहीं आता, इस बात का ध्यान गुर्जर समाज को भी चुनाव के अंदर रखना है कि हनुमान जी अगर कमजोर हो गए तो आपके समाज की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा भी इस लोकसभा के अंदर कमजोर हो जाएगा। कई बार आपके समाज के लोग जब नहीं लड़ते तो मैं आपके समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, और मैं हमेशा आपकी पैरोकारी करता हूँ, मैं हर समाज की करता हूँ। अगर राजपूत समाज को आवश्यकता पड़ी तो भूंगरा का मामला है, 10 मामले होंगे, मुझे फोन किए जाके मैं आगे खड़ा मिला। ब्राह्मण समाज को, श्रीलू कास्ट के मेरे भाइयों के लिए, मेघवाल समाज, बावरी समाज, नाइक समाज, तमाम समाजों के लिए जब भी हनुमान को याद किया वो आगे खड़ा मिला, मेरा परिवार आपके साथ खड़ा मिला, और मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले मिले। इसलिए आप दोनों हाथों से आशीर्वाद देके इस बार बता दो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कि हम बीजेपी कांग्रेस के पिछले गो नहीं है, हमारे भाई ने रात दिन एक करके, खून पसीना एक करके जो पार्टी का गठन किया, और मोदी अमित शाह जिस षड्यंत्र के तहत चक्रव्यूह में फंसाना चाह रहे हैं, हम चक्रव्यूह से हमारे भाई को निकाल के वापस विधानसभा के अंदर एलपी का प्रत्याशी भेजेंगे, और हनुमान को ताकतवर बनाएंगे, जो हमारा कर्जा माफ कराएगा, जो फ्री बिजली दिलाएगा, और किसान को उनकी रखवाली करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद।